उत्तर प्रदेश के जनपद संभल के गांव मोहम्मदपुर मालिनी में राशन डीलर की दबंगई थमने का नाम नहीं ले रही है। आचार संहिता लागू होते ही सरकारी राशन की दुकान पर गरीबों को निराश होकर घर वापस लौटना पड़ता है। हाथ में तेल नमक का सपना देखते रहे, मुश्किल से आया चावल गेहूं हाथ। राशन कोटेदार सुधारने का नाम नहीं ले रहे हैं। योगी सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि गरीबों तक रिफाइंड राशन नमक चना पहुंचाएंगे हर घर तक, मगर राशन डीलर बेईमानी और भ्रष्टाचार से लिप्त हो रहे हैं। राशन डीलरों की हो रही है बल्ले बल्ले। संभल के राशन डीलर वह भी इसी जुगत में रहते हैं कि सरकारी धन को लूटकर अपना घर कितनी जल्दी भर लें। आचार संहिता को ताक पर रखकर दिखाते हैं दबंगई। ऐसा ही मामला जनपद संभल के मोहम्मदपुर मालिनी का सामने आया है। राशन डीलर योगेंद्र की दबंगई सामने आई है। काफी संख्या में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। कम राशन देने पर रिफाइंड की थैली और चना न देने पर जमकर काटा हंगामा। अभी तक अधिकारियों को भनक तक नहीं लगी। इतना हंगामा काटने पर भी राशन कार्ड धारकों ने डीलर योगेंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले महीने भी उन्होंने हमसे मशीन में अंगूठा लगवा लिया और राशन भी नहीं दिया। अब देखना ये होगा कि राशन कार्ड धारकों को राशन पूरा मिलेगा या नहीं, एवं राशन डीलर अपना रिवाज जमाते रहेंगे। आखिर क्यों नहीं होती उनके खिलाफ कार्रवाई। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया जनपद संभल उत्तर प्रदेश। क्या नाम है आपका? दानिश। गला मिला आपको? मिलता है। कितना? 15 किलो 6 यूनिट रुपए। 15 किलो? 15 किलो 6 यूनिट रुपए। ऑनलाइन करते हो, बात देते नहीं है। आपके लिए ना बहुत सुविधा दे रखी है सरकार ने तो दे रखी है। गांव वाले तो ये तो खा रहे हैं, कहते हैं कि ऑनलाइन कराओ। क्या चीज ऑनलाइन करा? मैं रिफंड में कराओ, दिखा रहा है तो नहीं मिला। और कितना मिल गया आपके लिए? 15 किलो मिल गया 6 यूनिट रुपए। 6 यूनिट है तुम्हारे मौके पे? मौके पे है। हाँ बिल्कुल दिखाएंगे, चलो और पूछ लो किसी से भी। शिकायत न करिए आपने किसी से? किससे करूँ, कोई सुनता ही नहीं है। गांव के प्रधान जी ना सुनते? प्रधान ही यहाँ रहते नहीं है। और कोई कार्यकर्ता तो होगा? कार्यकर्ता है, सुनता नहीं। इधर सुनी, इधर टाल दी, बात खत्म। एटीएम साहब के पास गए? एटीएम साहब के पास रह गया। सप्लाई ऑफिस में? कहीं ना गया मैं तो अपने गांव में रहता हूँ। 15 किलो से राजी हो? 15 किलो से राजी रहा तो जितना हमारा हक है वो दो। गल्ला मिलता आपको? मिलता है, 8 किलो देता 2 यूनिट रुपए। 2 यूनिट रुपए 8 किलो। रिफंड की थैली वगैरह है? रिफंड की कुछ ना मिला, एक थैली मिला रिफंड की थैली। तो एक ही बार तो बटाए थे, एक ही बात तो बटाए। अब जो आया ये ना मिला ना? गल्ला मिलता आपको? मिलता है। पूरा मिला है? पूरा नहीं आता, एक यूनिट कम देता है। कितने बंदे हैं? 24 किलो गल्ला देता है। और रिफंड वगैरह? रिफंड वगैरह एक बार मिला, इस बार नहीं दिया हमने। सलीम, तो आपको राशन मिलता है? 6 यूनिट है मुझे, 20 किलो मिलता। 6 यूनिट में? और रिफंड की थैली? और कुछ नहीं मिलता। अगले महीने उन्हें मिली ना? कुछ नहीं मिला। अच्छा, तो उन्होंने क्या दिया? वो क्या नाम है उसका, इरशाद बोले कि लेना हो तो ले लो ना तो जाओ। अच्छा, तो आपने शिकायत करी कहीं फेरी? अब भी कार्ड है मेरे पास ना। शिकायत करी आपने? हाँ कहीं फेरी गया। कहाँ गए? अभी गया मैं तो, मैं सनु गया तो ये देखूंगा मन की, देखना होगा तो आप मान लेंगे। अरे कहाँ अधिकारी से किसी से बात करिए आपने? अधिकारी से तो किसी ने, उससे कहूँगा तो उससे क्या हो रहा है, वो गल रहा दे रहे तो आपको उस जगह मतलब किसी अधिकारी से किस्सा करूँ? जो तुम्हारी मर्जी कर रहे वो कर लो। आइटम साहब बैठे हैं, इंस्पेक्टर बैठे हैं सप्लाई। मैं किसी को बोले भी नहीं। गरीब आदमी है कोई, वहाँ थोड़े जाए। मैं क्या करूँ, मैं तो खुद मजदूर आदमी, 300 रुपये कमाने का, मैं कहाँ जाऊँ एटीएम के लिए? सीओ के दौर है, डर सारे बच्चा जा रहा है मेरा, दे देना तो ना देता कर लो। अच्छा, तो कब से ना मिल रहा कल्ला आपको? कल्ला करता था ना, एक फेरी दे दे, एक फेरी ना देता ना। तो आप अंगूठा लगा देते हो? अंगूठा लगा दे, हम एक फेरी अंगूठा लगा के दिए ही ना। क्या नाम है आपको? नाम मेरा जरीफ है। आपको राशन मिलता है? ना, हम पता राशन कार्ड ही ना है साहब। राशन कार्ड ही ना है? हाँ जी, उनने बना के ही ना दिया। किन्होंने? चीनी वालों ने, जिनकी दुकान है। क्यों ना दिया बना के? क्या पता है क्यों ना दिया बना के, सब बने हमारा ना बन दिया हमने। राशन मिलता है आपको? पूरा मिलता है? कितना मिलता है? है? और फांड की तैली? और एक बार तो ये कि दो बार तो बट दो बार तो आई हैं? है? नाम है आपका? नाम शकीला वाला। राशन का क्या मामला है?
राशन कह रहे हैं वो कभी कभी कह रहे हैं 3 किलो देते हैं, कभी 4 किलो देते हैं एक मिनट में। तो आप शिकायत करी कहीं? हमने तो शिकायत ना रिफंड ना दिया ना, मतलब नमक और वो चने की दाल भी ना दी। क्यों ना दी? इनकी मर्जी है क्यों ना दे रहे थे दे दे में। तो आपने किसी बड़े अधिकारियों से शिकायत नहीं करी? हमने ना करी शिकायत, हम कहाँ जाओ, गरीब आदमी कौन जा रहा है कहीं को, इन्हें धो दे के बैठ जाएंगे प्रधान वगैरह से। प्रधान वगैरह, प्रधान के हाथ में क्या, प्रधान के मान ही ना रहे, प्रधान को तो और चोरियाँ लगा रहे हैं, जब गत्ता मांग रहा है और ये मांग रहा है।